अरुण शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर तहलका। आज हम पहुंचे हैं बौड़ी गांव में, जो कि सफीदो हल्के में आता है, और लोगों से जानेंगे कि लोग किन समस्याओं को लेके इस गांव में परेशान हैं। यहां पे कुछ भाई और बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? गुरमुख सिंह। अच्छा, क्या समस्या है इस गांव में जिनसे लेके आप परेशान हैं, जिनको लेके? समस्याएं तो बहुत सी हैं जी। मेन ये नाले की होगी, नाला टूटा पड़ा है सारा। अच्छा। पानी बाहर को आ रहा है, देखो कितनी बुरी हालत हो रही है। अच्छा। और ये सड़क गांव के अंदर है हमारी। कब से टूटी हुई है नाली ये? 5-6 साल से टूटी हुई है। तो आपने बोला कभी किसी को इस नाली को लेके? सरपंच को बोला हो या किसी मंत्री को बोला हो? हाँ, पहले सरपंच को बोला था, उसका टाइम निकल गया, उसने किया। आप इसको बोल रहे हैं, देखो करते हैं कि नहीं करते। चलो कुछ और भाइयों से जानेंगे और क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है भाई? अमन। क्या समस्या है गांव में? ये नाले का चल रहा है जी, ये बनवा नहीं रहे कोई, सड़क है, सड़क के लिए हम आप इसी नाली की बात कर रहे हो क्या? अच्छा, हम आपको सीधी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये नाली बिल्कुल टूटी हुई है भाई। बीच में ना बोलता हर टाइम ये जी। क्या नाम है? बरेखड़ा बलराज नाम है जी मेरा। हाँ। क्या समस्या है जी? मेरे को समस्या है जी, एक तो हमारा नाला बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ। बाकी जो सड़क है जी, हमारे बच्चे खेलते रहे, ये जो मैन सड़क ऊपर को आ रही है जी, वो सड़क तो निकाली नहीं, मतलब केस कुछ भी करके जी, तगड़े आदमी है ना, तो हमारी ये 24 घंटे डंपर चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है, बच्चे भी छोटे छोटे खेलते रहे हैं, बाकी जो सड़क नहीं है जी वह मंजूर हो रही, वह क्यों निकाल? प्रशासन को बोला है सड़क को लेके? इसको बहुत बोला जी, फिर कोई इसके पे गौर नहीं करता जी। इस तगड़े आदमी है फिर कोई क्या गौर होती है? अच्छा। ये मेरी प्रॉब्लम है, एक तो मेरा नाला, एक जी मेरी सड़क बाहर की। अच्छा। बाकी बहुत बढ़िया, मोदी जी आ रहे हैं, है मोदी जी को हमने वोट भी दी है, हम सपोर्ट की सारे काम कर रहे हैं। क्या नाम है? महेंद्र है जी। क्या समस्या है गाँव में? गाँव में समस्या तो बस यहाँ रोड की है, ज़्यादा भीड़ा रोड है, हमारा बाहर को दिक्कत ना चाहिए। अच्छा। आज 50 दिन रात दिक्कत जा रहा है। नालियों की समस्या है ज़्यादा? हाँ, नालियों की। और कोई समस्या गांव में कोई? ना, और कोई समस्या इसी वजह नहीं है। तो आपने कभी बोला नहीं किसी प्रशासन को? बोलते हैं जी, वो सफाई वाला भी है, वो तो आवा है कहीं पर सफाई करें, फिर ज़्यादा टूटी हो जाएगी, बन रही है। तो साफ सफाई नहीं होती इसकी? सफाई हो जी, करके जावा सफाई सारी कर देगी, करवाओ, सरपंच भी काम करवा रहा जी पूरा। चलो ठीक है। ये आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हो कि ये धर्मगढ़ बौड़ी की जो नालियां हैं ये टूटी हुई हैं बिल्कुल। इस चीज़ को लेके लोग परेशान हैं और बोल रहे हैं कि कई बार प्रशासन को बोल चुके हैं, इस चीज़ पे गौर नहीं कर रहे वो। यहाँ कुछ भाई और हैं, इनसे और बात करेंगे। राम राम जी। क्या नाम है? गाँव में क्या समस्या है? क्या बताऊं जी, क्या प्रॉब्लम है? नालियों की है, गलियों की है, पानी की भी है जी। नालियों क्या समस्या है? ये टूटियां कर दी है, भी नहीं आंदी जी। अच्छा। ना कोई नाले साफ करता जी। टूटी कब से नहीं आ रही? ये तो साल हो गया। तो बोला नहीं कभी किसी को? बोला, कौन बोला था, सारे से ही हो रहे इकट्ठे। अच्छा, तो सरपंच को नहीं बोला आपने? सरपंच तो कौन कहा हमने जी। पहुंचे हैं धर्मगढ़ बौड़ी की जो कश्यप चौपाल है उसमें, यहाँ कुछ बुजुर्ग मौजूद है, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? जयपाल जी। गांव में क्या समस्या है? गांव में तो कई समस्या है जी, एक तो पानी की है जी। अच्छा, पानी की क्या समस्या है? पानी की निकासी की समस्या है या टूटी नहीं आती या लाइट ही नहीं आती जो अपने? कोई सफाई नहीं जी इसके अंदर, ये है जी एक पानी की समस्या है जी। अच्छा, नालियों की सफाई नहीं होती? नहीं जी, नहीं, सारे टूटे पड़े जी, कोई सफाई नहीं। बाबू जमादार को बोला कभी? हाँ, बोलिया जी बाबू जी, वो भी उस साइड में चला जावा है, यहाँ आंदा कौन जी। अच्छा। हाँ जी, क्या नाम है? दंपत। क्या समस्या है गांव में? ये समस्या जी ये बता रहे थे, और क्या समस्या थी गांव में? नालियों की और पानी की। अच्छा। हाँ जी, ये समस्या जी गरीब मानस सारी समस्या है बाबू जी, सारे संघा की समस्या, देखो पानी की भी। तो सरपंच तो सबका समझा होता है ना? समझा होता है। तो उसको बोला कभी आपने? नहीं, हमने बोला कभी सरपंच से बेचारे। एक स्कूल की भी समस्या तगड़ी हो रही है, स्कूल भी टूटा पड़े हमारे गांव का सारे बेचारे। सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल। हाँ। उसकी भी समस्या बहुत तगड़ी है। अच्छा, स्टाफ नहीं है? कोई स्टाफ नहीं है। ठीक है। हाँ जी, क्या समस्या है भाई साहब जी? सबसे बड़ी समस्या हमारे गाँव में ये है, जो बस्ती में सड़क नहीं आई मेरी,
ये हम कहीं पे कंप्लेंट कर चुके हैं एमएलए साहब था भी, बहुत जो कर्मचारी थे भी, ये हमारा यहाँ बच्चों का बिल्कुल ही हादसा, रोज ही हादसा कोई हो गया डंगर का कहीं बच्चे का, तो हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कई बार भाई हमारी सड़क बार बाईपास होनी चाहिए, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई साहब हो रही। पहले में सबसे बड़ी समस्या यही है कि गाँव के बीच में से सड़क गई हुई है। चलो हाँ जी, क्या नाम है? राम कृष्ण है जी। क्या समस्या है? समस्या है जी, स्कूल हमारा होना चाहिए सही। अच्छा, यहाँ गरीब बच्चे हमारे जा नहीं सकते स्कूल ना। क्या दिक्कत है यहाँ स्कूल में? स्कूल सारा सारे दीवार पट्टी पड़ी, कुछ नहीं पढ़ाई पढ़ी यहाँ सही नहीं रही, कुछ भी सुविधा नहीं है। टीचर आ रहे हैं? उस बात का मैंने दे रहा नहीं फुट मान समझ लो। स्टाफ मास्टर आवे? मास्टर आवे जी। धर्मगढ़ बोली के बोली गांव के तालाब पर, और जहां पर कुछ जो गांव के बुजुर्ग हैं यहां मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या नाम है? हाँ जी, हरभजन सिंह। क्या समस्या है गांव की? समस्या जी आज छप्पड़ दी बहुत समस्या है, पानी ओवरलोड हो गया, गंदगी फैल गई है, डंगर बीमार होंगे ने, और भी बीमारी बहुत चलती है, बदबू आती है। तो क्या इसकी कोई शिकायत की है उधर? शिकायत तो सरपंच साहब ने करना सी, मेरे को तो इस बात का पता नहीं, लेकिन मैं तो तुम बता रहा हाँ कि आ देख लो तुहाडे सामने ये जो तला है कि ओवरलोड हो गया, गंदा पानी इसमें जमा हो गया, ये कुछ ना कुछ। तो इसका कोई चेंज नहीं हुआ पानी कभी? ना जी, बदला नहीं गया? कभी नहीं बदला गया जी। अच्छा। हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया? टाइम तो जी कई साल ही हो गए ने, पहले तो सूख जाता होता था, आजकल तो हूँ तो नलके का पानी बहुत जमा होता है, हूँ सूखता नहीं। अच्छा। हूँ तो पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया जी। अच्छा। कृपा करके ठीक है। हम ना और पूछेंगे बताओ और ना। तो क्या नाम है? मामना जी। की समस्या गाँव की? गाँव की है समस्या बताने ला रहे, पानी बढ़ रहा गाँव में और के। अच्छा। हाँ। तो ये जोड़ का पानी घरों में जा रहा है? घरों में चल रहा और बाहर लीटर निकली। अच्छा, निकासी का कोई का वो नहीं बनाया? ना जी ना, निकासी। तो सरपंच को बोलिया है? सरपंच ना हम के बोल रहे भी। हाँ। हाँ, हमने नहीं बोलिया कुछ भी। अच्छा। हाँ। तो बदला गया है पानी इसका? ना को नहीं बदला गया, नहीं है। अच्छा, और कोई समस्या? और कोई नहीं हमारे शहर में।